ये जो आपने कन्वेंशन किया और स्कूल में मैं समझ का ये बहुत बड़ा इवेंट था और बच्चों में ये गणित के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो और ये समझे, उसका फंडामेंटल क्लियर हो और ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट इधर आए और उन लोगों ने मार्गदर्शन दिया। और ये करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन है ये, कई लोग आते 500,000 लोग, तो ये जो काम किया ये स्कूल ने, ये मैनेजमेंट ने, उसके प्रिंसिपल पोपट साहब ने और ये अपने चंद्रमौली जोशी साहब ने, तो चंद्रमौली जोशी साहब कई सालों से ये देश की सेवा कर रहे हैं और ये सब कॉन्फ्रेंस अलग अलग जगह पर रखते हैं और इसे अपने देश के बच्चे, ये हिमाचल में हो कि मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, छत्तीसगढ़ में हो, तो सब जगह उसको लाभ मिलता है। और ये भी है ना, ये चंद्रमौली जोशी साहब चेयरमैन है उसका, तो बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ में हमारे जैसे लोग जिसको टाइम भी नहीं तो फिर ये जुड़े हुए हैं क्योंकि उसकी ये भक्ति है ये सब मैथमेटिक्स के प्रति, एजुकेशन के प्रति। और ये ऐसी स्कूल ने जो इनके दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, उसने ये इधर होस्ट किया और ये कॉन्फ्रेंस, ये बहुत बड़ी बात होती है। उन लोग के मैनेजमेंट के अंदर बहुत लार्ज हार्ट दिखाता है और शिक्षण के प्रति, बच्चों के प्रति वो उसका प्रेम दिखाता है, उसकी फर्ज क्या है वो दिखाता है। और ये सब बच्चे और ये गुरुजन सब शिक्षक शिक्षिकाएं और पूरे हिंदुस्तान में से आए हुए बच्चे और उसके टीचर, उन लोग ने बहुत अच्छा कार्य किया। हमें बहुत संतोष हुआ कि भी ऐसा कॉन्फ्रेंस होना ही चाहिए, हर 6 महीना 12 महीने में होना चाहिए। तो और धीरे धीरे उसमें और भी नया आ जाएगा कि भाई प्रॉपर मैथमेटिक्स का लेक्चर, प्रॉपर मैथमेटिक्स का डिस्कशन। लेकिन ये जो पैनल डिस्कशन था आज, वो बहुत बड़ी अच्छी दोनों ये पैनल डिस्कशन हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए हम ये धन्यवाद देते हैं जोशी साहब को और ये ना इधर के मैनेजमेंट को, सब वर्मा साहब ने, ये गोयल साहब ने वो अपना पोपट साहब जो इसके प्रिंसिपल, और ये सारा स्कूल के स्टाफ, क्योंकि ये अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये लीड टीम वर्क होता है और ये टीम वर्क जनरेट करना होता है। और ये टीम वर्क है तो ही काम होगा, और जिसका टीम वर्क मजबूत है वही आगे आ जाता है। और दूसरा, उसमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। बच्चे लोग जब मॉडल बनाते हैं तो बहुत कुछ उसको जानने को मिलता है, वो टाइम वेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा मेरे पास आया तो बोला कि हमें ना पृथ्वी का मॉडल बनाना है, तो वो पृथ्वी का मॉडल बना के एक वीक के बाद वो आया, तो है ना वो पृथ्वी गोल गोल घूमती थी, और तो हमने बोला कि बराबर है, तो के लगता तो बराबर है घूमती है, तो वो सीखने को मिला। हर उसको जिंदगी भर याद रहेगा, वो साइंटिस्ट बने नहीं बने वो याद रहेगा, बच्चों को भी सिखाएगा। और दूसरा कि वो हमें लगे चलो, बाद में उसने मोटर चेंज किया और पूछी ये ना पश्चिम से पूर्व घूमने लगी, तो फिर आया, तो हमने बोला कि बराबर है, तो क्या बराबर, तो हमें लगे देखो अभी भी एक ये उसमें खामी है, वो अपनी पृथ्वी है ना 23.5 डिग्री ये ना इंक्लाइन है, वो झुकी हुई है, तो वो बताओ। तो बाद में एक वीक के बाद वो बता के जहाँ लगे ये परफेक्ट वाले, बाद में उसने उसके चारों घूमते हुए ये सेटेलाइट, आर्टिफिशियल सेटेलाइट का मॉडल बनाया, तो धीरे धीरे वो सीखते हैं। तो ये मुझे बहुत संतोष हुआ इतना।